हाँ, तो मेरा नाम है गुलाम दस्तगीर। मैंने किया है एनएडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग 1990 में। उसके बाद मैं चला गया था कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। फिर वहाँ से मैं चला गया था एमएस करने मिशिगन यूनिवर्सिटी डिट्रॉय में। तो आजकल आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो है पाकिस्तानी बैंक्स। तो पाकिस्तान में तीन तरह के बैंक हैं। एक गवर्नमेंट के बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल सेविंग सेंटर। इसके अलावा कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक। कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक जो हैं पाकिस्तान के वो हैं हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एलाइड बैंक, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं फॉरेन बैंक्स, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, अल फैसल बैंक। तो इसके अलावा और भी बैंक्स हैं। तो हमेशा ये सवाल किया जाता है कि कौन से बैंक में आपके पैसे सेफ हैं। पैसे आपके गवर्नमेंट के बैंक में सेफ हैं, तो अगर और सबसे ज़्यादा मुनाफा भी गवर्नमेंट का बैंक दे रहा है। तो नेशनल सेविंग सेंटर जो है उसका जो बहबूद सर्टिफिकेट है उस पर 1 लाख रुपए पर 2,000 रुपये तक मुनाफा पहुंचा हुआ है। तो अब ये बताते हैं आपको कि ये 2,000 रुपये जो हैं अगर आप आज की तारीख में लेंगे तो नेशनल सेविंग सेंटर, जितने अरसे के लिए आप ये सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे तो ये मुनाफा आपको कम भी नहीं करेगा। अगर स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो ये आपको मुनाफा कम नहीं करेगा। जो 2,000 है हमेशा देता रहेगा जब तक कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इसके साथ नेशनल सेविंग सेंटर के साथ है। फ़र्ज़ करें आपने नेशनल सेविंग सेंटर का सर्टिफिकेट लिया 10 साल के लिए, तो 10 साल तक आपको 2,000 रुपये मिलते रहेंगे। और अगर स्टेट बैंक ने कम भी किया तो भी आपको 2,000 ही मिलेंगे। जो नए आने वाले हैं उनको हो सकता है कि 1,500 मिले, लेकिन जो पुराने हैं उनको 2,000 ही मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट बैंक में रखेंगे तो जैसे ही बैंक का इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, जैसे यूबीएल या हबीब बैंक या एमसीबी में आप पैसे रखेंगे प्रॉफिट पे या इंटरेस्ट पे, तो जैसे ही इसका इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक का नीचे जाएगा तो ये बैंक भी प्रॉफिट रेट अपना गिराएंगे। तो अगर वो गिरेगा तो फिर ये भी बैंक आपको प्रॉफिट, अगर 2,000 दे रहा है तो 1,500 कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि फॉरेन बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स जो हैं जब नुकसान लॉस में जाते हैं तो वो अपना लॉस जो है वो अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आपने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में या हबीब बैंक में या एमसीबी बैंक में पैसे रखे हैं तो अगर वो लॉस में जाएगा तो ये लॉस आपको, आप अगर आपका अकाउंट है आपके पैसे उधर हैं तो वो आपको ये लॉस दे के जाएगा। जैसे हबीब बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग पे अमेरिका ने $1 बिलियन फाइन किया था, $600 मिलियन फाइन किया था। तो अगर वो $600 मिलियन पे करेगा तो उसका जो लॉस है वो अपना स्टॉक जो है उसका वो नीचे जाएगा, उसका डिविडेंड नीचे जाएगा और उसका इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। इस तरीके से ये अपना लॉस रिकवर करते हैं। यही स्टैंडर्ड चार्टर बैंक को भी $1 बिलियन फाइन हुआ था अमेरिका में, तो उन्होंने पे किया तो उससे वो जो $1 बिलियन वो था उससे आप उनका स्टॉक भी नीचे जाएगा और उनका प्रॉफिट भी नीचे जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा सेफ जो पैसा है वो है नेशनल सेविंग सेंटर में।
अब नेशनल सेविंग सेंटर का जो बेवूत सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोई ना टैक्स है ना ज़कात है, तो ना आपको टैक्स देना है ना ज़कात देनी है। तो आपको जो है ना, अगर आप प्राइवेट बैंक में या कमर्शियल बैंक में या फॉरेन बैंक में पैसे रखेंगे तो आपको ज़कात भी देनी पड़ेगी और टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये भी आपकी सेविंग है। तो दो चीज़ें हो गई कि अगर आप प्राइवेट बैंक की कमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक्स में पैसे रखेंगे तो अगर उनका इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो वहाँ पे आपको मुनाफा कम, वो बैंक भी आपका मुनाफा कम करेगा। तो नेशनल सेविंग सेंटर में अगर आपने पैसे रखे हैं बेबूत सर्टिफिकेट में तो अगर इंटरेस्ट रेट बैंक कम करेगा तो आपका मुनाफा जो भी है जो नेशनल सेविंग सेंटर ने आपसे प्रॉमिस किया वही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और नुकसान की सूरत में नेशनल प्राइवेट कमर्शियल बैंक यानी कि अभी बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स लाइक स्टैंडर्ड चार्टर, अगर इनको लॉस होगा तो ये लॉस अपने कस्टमर को दे के जाते हैं जिनका इस बैंक में अकाउंट होता है और उनके पैसे होते हैं। लेकिन नेशनल सेविंग सेंटर में अगर इनको लॉस होगा तो ये लॉस कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि ये जो है पाकिस्तानी बैंक पाकिस्तानी जाएंगे फॉरेन कंट्रीज़ में और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा बैंक डूब रहा है तो हमें पैसे दे दो, तो इनको पैसे मिल जाएंगे, स्टेट बैंक में आएंगे ये पैसे और फिर ये पैसे नेशनल सेविंग सेंटर को ट्रांसफ़र होंगे। तो जिसको भी पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो नेशनल सेविंग सेंटर में जाके इन्वेस्ट करें ताकि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे भी जाएगा तो आपको जो भी प्रॉफिट इन्होंने प्रॉमिस किया वो आपको मिलेगा, और अगर बैंक लॉस में भी जाएगा तो आपको लॉस दे के नहीं जाएगा और इस तरीके से आपका मुनाफा भी आपको मिलेगा और आपके पैसे की हिफाजत भी है, तो जब चाहे आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है तो गवर्नमेंट जो है वो दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारा बैंक डूब रहा है तो आप हमें पैसे दे दो, तो चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कोई ना कोई बहुत सारी कंट्री इनको पैसे दे देती हैं जो पैसा इनके पास आता है स्टेट बैंक में और फिर वहाँ से ये पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर नेशनल सेविंग सेंटर को या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तो इस तरीके से ये बैंक चलता रहता है। लेकिन फॉरेन बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स जैसे प्राइवेट बैंक और या कमर्शियल बैंक हम कहते हैं या स्टैंडर्ड चार्टर हो गया या हबीब बैंक हो गया या मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, ये गवर्नमेंट के बैंक नहीं हैं, तो जब ये लॉस में जाते हैं तो ये लॉस अपने कस्टमर को दे के जाते हैं। और ये क्योंकि गवर्नमेंट के बैंक नहीं हैं ये, तो फिर दूसरे मुल्कों के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि भाई ये लॉस में जा रहे हैं तो इनको लॉस रिकवर करने के लिए पैसे दे दो, तो ऐसा तो दोनों चीज़ें होंगी ना, ना तो इन ये लॉस में जाएंगे तो इनको लॉस रिकवर करने के लिए अपने कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, तो इनको कोई दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं देगी कि इनका लॉस रिकवर करने के लिए। लेकिन नेशनल सेविंग सेंटर में क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है तो गवर्नमेंट जाएगी चाइना और यूएई और सऊदी अरबिया और कतर और अमेरिका और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा बैंक डूब रहा है तो आप हम पैसे दे दें, तो वो इनको पैसे दे देंगे, तो ये पैसे आएंगे स्टेट बैंक में, फिर वहाँ से पैसे नेशनल सेविंग सेंटर में, फिर जो नेशनल सेविंग सेंटर में जिन लोगों ने अकाउंट खोले हैं उनको उनका मुनाफा भी मिलेगा और जो उनको पैसे उन्होंने जमा कराए हैं वो भी उनको मिलेंगे। तो इनकी दो नेशनल सेविंग सेंटर में दोनों तरह से आपके पैसे की हिफाजत है, यानी कि आपका पैसा भी आपको जब चाहेंगे आपको मिल जाएगा और आपको मुनाफा भी मिलेगा। अब आ जाते हैं कि ये जो नेशनल सेविंग सेंटर में जो भी मुनाफा आपको मिलता है वो बेसिकली होता है सूद। अब लोग जो है ना वो चले जाते हैं मौलवियों के पास कि भैया आप हमें बताएं नेशनल सेविंग सेंटर से जो मुनाफा मिलता है
वो हलाल है या हराम है। तो वो मौलवी जो हैं, वो कुछ मौलवी इसको हलाल कर देते हैं, तो अल्लाह ने जो चीज़ें मुसलमानों पे हराम की हैं तो ये मौलवी उसको हलाल करते हैं। तो अब नेशनल, अब पाकिस्तानी बैंक तो लॉस में जा रहे हैं, तो अब पाकिस्तान का बैंक लॉस में जा रहा है और आपको मुनाफा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सूद ही हुआ ना, और अगर लॉस में जा रहा है और आपको मुनाफा दे रहा है तो सूद ही हुआ ना। तो इस तरीके से समझें इन चीज़ों को, और सूद को सूद समझ के खाएं, ये नहीं करें कि हम जो चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी है उसको हलाल करवाएं मौलवियों से और फिर खाएं, तो वो हलाल होने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह ने जो चीज़ आप पे हराम की है तो ये मौलवी सम टाइम वो चीज़ें आप पे हलाल कर देते हैं, लेकिन वो अल्लाह ने जब हराम की हैं तो फिर अब वो कोई भी इस चीज़ को हलाल कर नहीं सकता। तो ये है, तो आपके पैसे की हिफाजत है नेशनल सेविंग सेंटर में, आप वहाँ पे जाके सेविंग अकाउंट खोलें, और अगर आपकी उम्र 60 साल है या इससे ज़्यादा है तो इसका बेहबूद सर्टिफिकेट लें 10 साल के लिए, और 10 साल तक आपको ये मुनाफा देते रहेंगे। आजकल सबसे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई किया हुआ है IMF लोन की वजह से। IMF ने कहा भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, तो इस वजह से अब ये 2000 तक पहुँचा हुआ है। तो अगर ये 2000 महीने के दे रहे हैं तो आप समझ लें कि 1 लाख पे 2000 महीने के, मतलब ये कि आप जो है इससे ज़्यादा मुनाफा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और टैक्स भी नहीं है और ज़कात भी नहीं है, और इसकी लिमिटेशन है कि आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, या आप बेवा होने चाहिए, या आप हैंडीकैप होने चाहिए, इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर। और इसकी लिमिट्स भी हैं कि 50 लाख या 1 करोड़, सिंगल अकाउंट 50 लाख का, और जॉइंट अकाउंट 1 करोड़ तक का आप खोल सकते हैं। तो यह है कि इससे ज़्यादा पैसे हैं तो जो सबसे हलाल चीज़ है वो है स्टॉक। स्टॉक में आप कॉलगेट का स्टॉक ले लें, नेस्ले का स्टॉक ले लें, पानी बेच रहे हैं, टूथब्रश बेच रहे हैं, तो आप देखेंगे स्टॉक जो थे 10 रुपये से शुरू हुए थे 1500 रुपये पहुँचे हैं। तो ये है, अगर आप इसमें, ये सबसे ज़्यादा ये हलाल है। अब इसमें बता दिया मैंने कि ये हलाल है, तो कंपनियां देखें कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स बेचते हैं ना कंपनी, अब ये कॉलगेट है, टूथब्रश बेच रही है, टूथपेस्ट बेच रही है, तो इसका स्टॉक आप देखें कब शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँचा है। और नेस्ले पानी बेच रहा है, अब पानी का तो अब मसला ही है, हर बंदा पानी जो है ख़रीद के पीता है, तो वो पानी का कहाँ, पानी की कंजम्पशन इतनी है कि ये देखें आप नेस्ले का स्टॉक पहले कहाँ था और आज कहाँ है। तो ये है इसका चक्कर। तो कोशिश करें कि हराम को हराम समझें और उसको हलाल कराने की कोशिश ना करें। और कुछ मौलवियों ने तो ये भी कहा है कि भाई तो सारा हराम खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हलाल खा लो, थोड़ा हराम खा लो, तो इससे भी गुजारा हो जाता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हलाल हलाल है और हराम हराम है, तो ये नहीं है कि थोड़ा हलाल खा लो और थोड़ा हराम खा लो तो गुजारा हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये है कि जो चीज़ हराम है उसको हराम समझ के खाओ और उसको हलाल कराने की कोशिश नहीं करो, और अल्लाह कुरान से हिदायत हासिल करो। अल्लाह ने चोरी करने से, रिश्वत खाने से, सूद खाने से, भीख मांग के खाने से मना फरमाया, तो इन चीज़ों से बचो ना, कि इन चीज़ों को अपने लिए हलाल करवा लो मौलवियों से और फिर इनको खाओ। तो ये है इसका चक्कर। तो नेशनल सेविंग सेंटर में आपके पैसे की भी हिफाजत है और आपका मुनाफा भी आपको मिलेगा, और ये हमेशा लॉस में जाता है, ये जब भी लॉस में जाएगा तो दूसरी कंट्रियों से जाके, ये गवर्नमेंट का बैंक है,
तो ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, यूएई जाएगी, कतर जाएगी, सऊदीया जाएगी, या IMF के पास जाएगी, अमेरिका जाएगी, UK जाएगी, उनसे कहेगी भाई हमारा बैंक डूब रहा है तो हमें पैसे चाहिए, तो वो उनको पैसे दे देंगे और ये पैसे आएंगे स्टेट बैंक में और स्टेट बैंक इनको ट्रांसफ़र कर देगा, जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो नेशनल सेविंग सेंटर को ट्रांसफ़र करेगा और नेशनल सेविंग सेंटर जो है जो भी आपका मुनाफा है वो आपको देगा और जो भी आपकी रकम जमा है जब आपको चाहिए आप इसमें से निकलवा सकते हैं। और अगर आप फॉरेन बैंक्स में ये लाइक स्टैंडर्ड चार्टर में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या अभी बैंक पैसे रखते हैं तो अगर बैंक लॉस में जाएगा तो वो प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक है तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क के पास जाके ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि भाई हमारा बैंक डूब रहा है तो हमें पैसे दे दो। तो इसलिए ये वो सारा का सारा जो लॉस होता है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए यह है कि गवर्नमेंट का बैंक जो है किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट का बैंक जो होता है वो सबसे अच्छा बैंक होता है। तो अमेरिका में तो यही कहते हैं कि भाई अगर बैंक जो है कोई भी आपको प्रॉफिट देता है तो वो सूद होता है, क्योंकि उसमें अगर बैंक को लॉस होगा तब भी वो देगा और अगर प्रॉफिट होगा तब भी वो आपको प्रॉफिट देगा, तो इसलिए ये हमेशा सूद ही कहलाता है। और नेशनल सेविंग सेंटर चलता ही लॉस में, पूरा पाकिस्तान ही लॉस में चलता है, तो ये लॉस में ही चलता है। लेकिन आपको लॉस देखिए इसलिए नहीं जाता कि ये दूसरी कंट्रियों से जाके पैसे लेके आ जाते हैं, कि चाइना चले जाएंगे, UAE चले जाएंगे, कतर चले जाएंगे, सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, UK चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, IMF चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा बैंक डूब रहा है तो हमारे को पैसे दो, तो दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देगी और ये पैसे आएंगे स्टेट बैंक में। और जब ये पैसे स्टेट बैंक में आते हैं तो नेशनल सेविंग सेंटर अगर लॉस में जा रहा है तो ये स्टेट बैंक इनको ट्रांसफ़र देता है कि भाई आपके पास जिन लोगों ने पैसे जमा कराए उनका मुनाफा उनको दे दो और अगर उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो आप उनको उनके पैसे वापस कर दो। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।